अभी तो उन्होंने मतलब कह देते हैं कि भाई ये काम करवाऊंगा वो काम करवाऊंगा, लेकिन कोई भी नहीं करवाता। सन्नी भाई कभी भी कहते हैं कि भाई किस टाइम पे पहुंचूंगा, रात ने इन्होंने मेरे को 3:30 का नाम लिया कि 3:30 से 4 बजे के अंदर अंदर मैं पहुंच जाऊंगा चौक पे, और देखो 4 बजे से पहले ही यहाँ पे आ गए। और ये दूसरी बात, अब लोग एक इच्छा मतलब वो हो चुकी है दिमाग में, ये फितूर बन चुका है कि भाई कमल का फूल क्यों देख लेते हैं। हाँ भाई मोदी है कमल का फूल, मोदी जी एक बार ही आएंगे, एक बार ही आएंगे और अपना इलेक्शन के टाइम पे अपनी रैली करके चले जाएंगे, उसके बाद कभी भी लेवाड़ी में क्या मोदी जी दिखेंगे आपको? नहीं, कभी नहीं दिखेंगे। और सन्नी भाई जब भी आप याद करोगे, सन्नी भाई हमेशा आपके साथ खड़े मिलेंगे। सन्नी भाई अकेले विधायक नहीं बनेंगे, हम सब सन्नी भाई के साथ विधायक बनेंगे। बहुत ही ओजस्वी विचार, जोशीली विचार रूपेश जी के। अगर कोई भी वक्त अपनी बात रखना चाहे, कोई मन में हो, कोई अच्छा काम हो, कोई विचार हो, तो कृपया मंच पर आकर अपने विचार रख सकते हैं। साथ मंत्री से बहुत ही आदर मान के हो गए नियर भाड़ावा शोक की पावन धरा पर उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गो, मातृशक्ति, माताओं, बहनों, नौजवान, देश के नौजवान साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पहुँचने पर आप सभी ने गोलमालाएं पहनाकर पगड़ी पहनाकर मेरा स्वागत किया। मैं आप सभी का हाथ जोड़कर हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं आज यहाँ ना किसी की बुराई करने आया, ना बढ़ाई और ना ही अपनी शान में कसीदे पढ़ने आया, मैं तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करने आया हूँ कि इन नेताओं को देख देख कर, इनकी हरकतों से दुखी आकर, इनके किए हुए वादों के झूठे वादों से तंग आकर, हमने तो इस राजनीति में कदम रखा। आप हम ये देख ले कि किस तरीके से हमारी एम्स की जो घोषणा है वो अब तक अटकी हुई है, आपके रेवाड़ी बाईपास किस तरीके से गोकलगढ़ के समीप टी पॉइंट बना दिया गया, इतिहास में आपको किसी बाईपास में नहीं मिलेगा, बाईपास बनने के बाद भी जहाँ नहीं खुलेंगे रोज एक्सीडेंट होंगे, इस तरीके से आपके शहर की सीवरेज व्यवस्था है कि आपके छोटी सी बरसात हो जाए सीवरेज की ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि घरों में उल्टा पानी घरों में आने लगता है, आपके सिविल हॉस्पिटल में पानी भर जाता है, आपके सिविल हॉस्पिटल में कोई दवाइयों की अच्छी मशीनों की अच्छी जो तकनीक है उसकी सुविधा उपलब्ध नहीं है, आपके शहर में हाउस टैक्स फिर सिर्फ दोबारा ठोक दिया गया सर पर, ये अनेकों अनेक कितनी भी समस्याएं हैं और इन समस्याओं से सबसे दुखी आकर हमने इस राजनीति में आना पड़ गया मजबूरन। और एक सबसे बड़ी समस्या या सबसे बड़ा अपमान, हम राजनेता का सम्मान करते हैं, उसको वोट डालते हैं और जब हम उनके दर पर जाते हैं तो सबसे बड़ा अपमानित होने का काम हमें मिलता है। फलाने नगर पार्षद को लेकर आओ, फलाने बड़े समाज के नेता को लेकर आओ, या सिर्फ जब वोट पड़ती है, जब आप ये नहीं कहते कि हमें तो सिर्फ और सिर्फ नेता या पार्षद की वोट चाहिए, उनके एक वोट से कोई विधायक बन सकता है क्या? नहीं, विधायक तो बनाने वाली आम जनता है, ये हमारे वहाँ जब घर पहुँचते हैं तो तोहिन करने का काम करते हैं। ये सब मैंने अपमान खुद झेल रखा है, मैंने तो हमेशा मैंने मेरे परिवार ने 72 साल किसी न किसी की वोट डाली है, 72 साल में मेरे परिवार ने आज तक एक बार वोट, मैंने पिछली समय जिला परिषद की वोट मांगी गई है, मेरे परिवार में एक बार हमने वोट मांगी है, अन्यथा हमेशा किसी न किसी नेता की हमने वोट डाली। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करने आया कि अगर हम चाहते हैं कि जितनी भी हमने ये समस्याएं गिनवाई हैं ये सब समस्याएं खत्म हो, आपके रेवाड़ी का विकास हो, नौजवानों को आपके इस जिले में जब कंपनी आइन में 70% इनको आरक्षण मिले, यहाँ का इलाका खुशहाल हो, आपके रेवाड़ी जो हेमान की लंदन कही जाती है वो लंदन जैसी लगने लगे, रेवाड़ी लंदन का स्वरूप ले, तो अगर आप ये सब इच्छाएं रखते हैं तो आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि आने वाली 21 तारीख को एक एक वोट हेलीकॉप्टर के पक्ष में डालने का काम करे, आपकी मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ कि कई बार हम घबरा जाते हैं, परिस्थितियां देखकर घबरा जाते हैं कि बड़ी पार्टी की टिकट नहीं मिली
अब क्या पता हमारे साथ क्या होगा। आप अपनी ताकत को पहचाने, ये बड़ी पार्टियां कभी पहले हुआ ही नहीं करती थी। जिस पार्टी को आप बहुत बड़ी पार्टी मानते हैं, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, 80 से पहले इसका जन्म नहीं हुआ था। तो आज जन्म कराने वाली जनता है, नेता का जन्म कराने वाली जनता है, ये कोई पहले से चली नहीं आती है चीजें। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा था कि एक राजा के घर में पैदा होने वाला बच्चा राजा ना बने। आप सब कोई भी मेरा नौजवान साथी जो आज मेरे विचार सुन रहा है, ये भी कल को हिम्मत करें और संविधान में आके ये भी विधायक का चुनाव लड़े, सांसद का चुनाव लड़े, इस प्रकार की व्यवस्था करने का हमने काम किया। परंतु हम घबरा जाते हैं कि हम सोचते हैं कि इस नेता की हवा है, इसकी वो हवा है। मैं तो ये कहता हूँ कि इन्होंने भी घमंड में टिकट बांटी। इन्होंने एक सोचा कि जिसको हम टिकट देंगे वो विधानसभा का दरवाजे पे पहुंच जाएगा। इन्होंने अखबार में बयान भी दिया कि हमारी पार्टी जिस व्यक्ति को टिकट देगी वो विधानसभा पहुंच जाएगा, उसका विधानसभा का दरवाजा खुल जाएगा। और मेरा ये मानना है अगर विधानसभा का दरवाजा कोई खोल सकता है तो वो आपकी वोट की ताकत है, पार्टी की टिकट की ताकत कभी नहीं हो सकती। ताऊ देवीलाल की सबसे बड़ी लहर थी, जब भी 85 जीतते थे बात जब भी रह गए थे। तो अगर आप जनता जब मन में ठान लेती है हमें किसको जिताना है तो उसको कोई नहीं हरा सकता। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से कह रहा हूँ, आप भी अपनी शक्ति को पहचानना। कहते हैं हनुमान जी को उनकी शक्ति का एहसास नहीं था, उनको नहीं पता था वो कितने बलशाली हैं। जैसे आज हमें आपको अपनी वोट की ताकत का नहीं पता, ऐसे ही समय समय पर ऋषि मुनियों ने हनुमान जी को शक्ति का एहसास कराया। जब चाणक्य जी को उनकी शक्ति का एहसास करा रहे थे तो कहते हैं हनुमान जी का शरीर विकराल रूप धारण करता गया, उनके शरीर की आकृति बढ़ती गई, आत्म बल बढ़ता गया। उन्होंने कहा बस गुरु जी अब आप रुक जाइए, आप कहे तो एक घूंट में समुन्द्र को पी जाऊं, आप कहे तो एक गदा मारकर जमीन से पानी निकाल दूं। तो आप मेरे बुजुर्गों सरदारों, मेरे नौजवान साथियों, माताओं बहनों, आप इस लोकतंत्र में हनुमान जी का स्वरूप है। आप चाहे तो जमीन पर बैठे व्यक्ति को आसमान पर बैठा दें और आसमान में टिकट के घमंड में दूर बैठे व्यक्ति को आप जमीन पर गिरा दें। आप अपनी ताकत को पहचान कर इस चुनाव में मदद करें। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने एक व्यक्ति ने 20 व्यक्ति की वोट डलवा दी, मेरे जितने यहाँ नौजवान साथी खड़े हैं, अगर आप सबने प्रण ले लिया अलग अलग ने, ये नहीं कि हमने सबने सबने कह दिया कि हमारी दोस्तों है, नहीं, आज यहाँ से प्रण लेकर जाओ, एक व्यक्ति जो अलग से 20 वोट आप पका कर आओगे, चाहे कहीं जाकर पका के आओ, अगर आपने 20 व्यक्ति की वोट हेलीकॉप्टर के पक्ष में डलवाने का काम कर दिया तो मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन विधानसभा चुनाव का नतीजा आएगा 24 तारीख को टीवी पर हेडलाइन चल रही होगी जनता के टिकट से चुनाव लड़ रहे, आप सबके आशीर्वाद से चुनाव लड़ रहे प्रशांत सन्नी यादव ने सबसे अधिक मतों से जीत हासिल कर एक नया इतिहास बनाने का काम किया। आप अपने मन को छोटा मत करें, आप में बहुत बड़ी शक्ति है, आप तो अपने दृढ़ निश्चय संकल्प के साथ निकल पड़े। आप अपनी ताकत को पहचाने और जो कोई मोदी जी का भक्त यहाँ मेरी बात सुन रहा है।